बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके बारे में पिछली क्लास में उसका जो किस तरीके से एप्लीकेशन करते हैं, किस तरीके से उसका जो यूसेज किया जाता है उसके बारे में बच्चों आपको मैंने जानकारी दी थी। और पहला पॉइंट आपको बताया था कि यदि वाक्य में सेइंग का अभाव होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ का अभाव होता है, रिपीटेड एक्शन या रिपीटेड एक्टिविटी या रूटीन वर्क का अभाव होता है या किसी भी तरह का कोई फैक्ट पाया जाता है तो सच सेंटेंसेज माने इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं दे आर इन जनरल रिटन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अर्थात साधारणतः ऐसे वाक्यों को हम क्या करते हैं बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात बच्चों आपको बताई कि ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ऐसे कौन कौन से एडवर्बियल्स हैं जिनको देख करके आप पहचान सकते हो कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है। लेकिन बच्चों आपको मैंने ये भी कहा था कि ये जो कीवर्ड्स वाला नियम है ये बच्चों 100% लागू नहीं होता है, ये 100% लागू नहीं होता। इसमें थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग भी अप्लाई करना पड़ता है। उदाहरण से अपनी बात समझाता हूं, जरा ध्यान देना, एक सेंटेंस को गौर करो। द हैन लेड ए गोल्डन एग डेली। डेली भी लिख सकते हो, एवरी डे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, डेली एवरी डे की बात है। अब जरा सेंटेंस देखो आप, द हैन माने बच्चों मुर्गी, लेड माने जो देती थी, ए गोल्डन एग माने एक सोने का अंडा, डेली माने रोजाना। बच्चों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इस वाक्य में डेली का प्रयोग हो रहा है और जब डेली का प्रयोग होता है तो उस वाक्य को प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए था। लेकिन बच्चों ये वाक्य किसका निकला, ये बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये वाक्य तो पास्ट सिंपल का निकला। आ गई क्या बात समझ में? नहीं आई तो बच्चों मैंने आपको यह भी कहा था कि अगर किसी भी सेंटेंस में किसी स्टोरी का वर्णन किया गया है या किसी भूतकालीन वृतांत का जिक्र किया गया, भूतकालीन घटना का जिक्र किया गया है या उस सेंटेंस के आगे और पीछे वाले वाक्य पास्ट टेंस में चलते हैं तो बच्चों इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है कि जितने भी एडवर्बियल मैंने लिखाए हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है ये बच्चों पास्ट सिंपल में भी जा सकते हैं। इफ द सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ अ स्टोरी, अगर सेंटेंस किसी स्टोरी का पार्ट है, अथवा ये भी पहचान सकते हैं सेंटेंस की आगे वाला जिस स्टोरी का है तो उसको पहचानने का तरीका क्या है कि उस सेंटेंस की आगे और पीछे वाला पार्ट है उसमें कहीं आपको कोई संकेत मिल सकता है कि कहानी का हिस्सा है या किसी भूतकालीन घटना का वर्णन कर रहा है। तो जब भूतकालीन घटना का वर्णन करेंगे तो बच्चों प्रेजेंट सिंपल की वजह में किसका प्रयोग होगा, पास्ट सिंपल का होगा। और बच्चों जैसे मैंने ऑलवेज के बारे में बताया कि प्रेजेंट सिंपल में भी आ जाता है तो पास्ट सिंपल में भी आ जाता है। और बच्चों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आ जाता है अगर कहने वाले का इरादा खराब है तो, अगर वो उसका आशय खराब है तो। अगर कोई खराब आशय की बात आप करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो लड़कियों को सदैव तंग करता रहता है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स, ही इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स का मतलब है लड़कियों को हमेशा तंग करता रहता है। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है क्योंकि इसका आशय अच्छा नहीं है, इसका आशय खराब है। तो ऑलवेज का प्रयोग बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तब किया जाता है जब वक्ता का आशय खराब हो। और बच्चों यदि वही वाक्य किसी भूतकालीन घटना का जिक्र कर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एवज में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग भी किया जा सकता है। उसी तरीके से ऑलवेज का प्रयोग बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया जाता है, जैसे आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, अर्थात मैंने हमेशा गरीबों की मदद की है, मैं हमेशा गरीबों की मदद कर चुका हूं। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते मैंने हमेशा गरीबों की मदद की है। तो बच्चों यही वाक्य अगर मान लो किसी कहानी का हिस्सा है तो बच्चों क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा 6 टेंसेस के अंदर आने की संभावना है। लेकिन बच्चों ऑलवेज का प्रयोग अगर हो रहा है तो आपके पास 6 टेंस हैं, लेकिन जो 12 है वो तो जो 8 है वो तो मेरा मतलब 6 है बच्चों, तो आप इस बात को देखो 6 बाकी 6 तो कट गई, यानी अब आपको गौर करना तो केवल 6 पे ही करना है, जो बाकी 6 उन पे गौर नहीं करना है। तो एलिमिनेशन मेथड जो है बच्चों उसमें ये जो तरीके हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये बड़ी आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। अब बच्चों प्रेजेंट सिंपल की बात मैं एक उदाहरण से अपनी बात क्लियर कर चुका हूं, आज ये नए पॉइंट में चलता हूं। अब बच्चों प्रेजेंट सिंपल के अंदर और क्या होता है और बताता हूं आपको, ध्यान देना। एक बात है बच्चों, जैसे आप पढ़ते हो कोई भी सेंटेंस है ये ले लो आप, और सेंटेंस में बच्चों पीए का मतलब जानते हो, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट
और ये दे दिया अरेंजमेंट। समझ गए परमानेंट अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? स्थायी गतिविधि। अगर बच्चों स्थायी गतिविधि का भाव है तो उसको भी किसी में कहना चाहिए, उसको भी प्रेजेंट सिंपल में कहना चाहिए। जैसे उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं, बच्चों जरा ध्यान देना आप इस बात के ऊपर, एग्जाम्पल आपका। जैसे बच्चों मैंने कहा दिस रोड, दिस रोड ठीक है इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा। अब बच्चों आपको ये सेंटेंस मैंने दे दिया और आपसे कहा इस वाक्य को जरा ध्यान से पढ़ो, तो आप क्या पढ़ोगे? दिस रोड इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा, माने ये जो सड़क है बच्चों ये जयपुर से आगरा जा रही है। अब बच्चों आप ये कहोगे साहब रन का मतलब तो दौड़ना होता है, तो दौड़ रही है, ये दौड़ नहीं रही, अपनी जगह पड़ी है। ध्यान दो बच्चों, ये रन है ना, इसका एक मतलब तो आप जानते हो क्या होता है, दौड़ना होता है, और दौड़ने में गति का अभाव निहित होता है। लेकिन बच्चों सड़क तो गति नहीं करती, वो तो अपनी जगह पड़ी रहती है, तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए? दिस रोड इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो रन का प्रयोग बच्चों किस अर्थ में भी किया जाता है? ये सड़क यहां से वहां तक जाती है, जा रही है, तो बच्चों ये गो का मीनिंग जाने का अर्थ भी देती है। और बच्चों तीसरी बात ये है कि जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैं जो है एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूं, तो मैं कहूंगा आई रन है स्कूल, आई रन है स्कूल, प्राइवेट स्कूल। तो बच्चों एक बात बताओ, रन माने क्या होता है? चलाना। रन का मतलब दौड़ाना। देखो रन यानी दौड़ना भी होता है, रन माने दौड़ाना भी होता है, लेकिन दौड़ाने से मतलब ये चलाने का अर्थ दिया जा सकता है। संचालन करते हो आप किसी चीज का, संचालन चलाते हो स्कूल वगैरह, तो उसके लिए बोलते हो आप आई रन ए स्कूल, अर्थात मैं क्या करता हूं, मैं एक स्कूल चलाता हूं। तो रन का मतलब समझ में आ गया है। इस तरीके से बच्चों रन का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे मैकेनिक बताया था, मैकेनिक बनाना और मैकेनिक मचाना। जैसे चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो आपको मेक का मतलब बच्चों मैंने क्या बताया था, वो इस तरीके से बताया था। ओके, जैसे गोयनी क्या होता है, सब जानते हैं गोयनी जाना होता है, लेकिन जैसे वो पागल हो गया है, तब मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा, ही हैज गॉन मैड, ही हैज गॉन मैड, यानी वो पागल हो गया है, तो गया है, वो जो मीनिंग है बच्चों उसके लिए गो का प्रयोग करते हैं। कई बार घंटी बज गई है तो आप इंग्लिश में कहते हो द बेल इज गॉन, अब घंटी चली गई है, नहीं घंटी बज गई है, उस सेंस के अंदर भी गो का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों जो हड़ताल वगैरह भी जाते हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी है, तो आप कहोगे दे वेंट ऑन स्ट्राइक, दे वेंट ऑन स्ट्राइक का मतलब उन्होंने हड़ताल कर दी है। तो यह जो वेंट शब्द है बच्चों वो करने का मीनिंग दे रहा है, वो हड़ताल के ऊपर जाने का मीनिंग दे रहा है। अब बच्चों आप जरा इस सेंटेंस को देखें, दिस रोड इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा का मतलब ये सड़क जो कहां से कहां जा रही है, ये जयपुर से कोटा जा रही है। तो बच्चों आप जानते हो इसमें, अब मुझे बताओ कि ये सड़क जो है आज ही जा रही है या कल भी जाएगी, तो आप जानते हैं तो रोज ही जाएगी। तो इस सेंटेंस में बच्चों जो इसका भाव है वो बच्चों टेम्पररी अरेंजमेंट मानी स्थायी गतिविधि नहीं है। ऐसा है, नहीं है कि आज जा रही है 2 घंटे बाद नहीं जाएगी, ये तो परमानेंट अरेंजमेंट है, इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल में कहना पड़ेगा। इसलिए क्या करोगे, इसे काटो। अब बच्चों ये दिस रोड क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रन ये रन लगा दिया, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसा लगा दो। अब बोलो आपका सेंटेंस क्या बन गया, दिस रोड रन फ्रॉम जयपुर टू कोटा, मानी ये सड़क जयपुर से कोटा जाती है। तो बच्चों पहली बात आपकी समझ में आ गई है। पहली बात का मतलब यह है कि यदि सेंटेंस में परमानेंट अरेंजमेंट का भाव है तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना चाहिए। अब बच्चों इस बात को अगर आपकी समझ में आ गई है तो जरा दूसरी बात आप और समझिए। दूसरी बात समझाते हैं आपको, एक सेंटेंस क्लियर, दूसरा सेंटेंस एक उदाहरण और देता हूं। देखो शी लिव्स विद हर हस्बैंड, शी लिव्स विद हर हस्बैंड, यानी वह रहती है अपने पति के साथ। कहाँ रहती है बच्चों? शी लिव्स इन हर हस्बैंड, शी लिव्स विद हर हस्बैंड इन इन कनाडा, इन कनाडा। तो शी लिव्स विद हर हस्बैंड इन कनाडा, अर्थात बच्चों वह अपने पति के साथ में कहाँ रहती है? कनाडा रहती है। अब बच्चों परमानेंट रहती है, ऐसा नहीं है कि अभी जो है किराए से रहती है, मेरा मतलब किराए से ही रहती है लेकिन परमानेंट रहती है, ऐसा नहीं 2 दिन रहेगी उसके बाद नहीं रहेगी, वो वहां की परमानेंट रेजिडेंट है। इसलिए बच्चों यहां पर किसका प्रयोग किया मैंने, लिव्स का प्रयोग किया। और ये सेंटेंस कैसे दिया जा सकता था आपको, शी इज लिविंग विद हर हस्बैंड इन कनाडा, अगर ऐसा है बच्चों तो आप क्या करेंगे, शी इज लिविंग को काट के शी लिव्स करेंगे यदि वो परमानेंटली रहती है तो। और अगर यहां आ जाए नाउ एडेज, आजकल वो आजकल कनाडा रह रही है, तो वो तो बच्चों परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। तो अगर ये नाउ एडेज आ जाए या दीज डेज आ जाए, है ना, या केवल नाउ आ जाए, तो इनसे पता चल जाता है कि सेंटेंस में परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है बल्कि टेम्पररी अरेंजमेंट है। और यदि ऐसा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एवज में, सॉरी प्रेजेंट सिंपल के एवज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस अथवा प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई? ओके, अब देखो इसको आगे बढ़ा के अपन आगे वाला एक पॉइंट और लेते हैं।
कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जो फ्यूचर टेंस होता है ना, फ्यूचर टेंस तो नहीं होता, टाइम होता है, तो फ्यूचर में क्या होता है बच्चों, कई बार दो काम एक साथ होते हैं तो वहां भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैंने आपको ये कहा कि मैं तुमको सूचना दूंगा, ठीक है, शुरू होने से पहले, भाई मैं आपके घर आ रहा हूं, तो उसने कहा भाई कितने बजे आओगे, मैंने कहा चिंता मत करो, मैं स्टार्ट होने से पहले तुम्हें कॉल कर दूंगा। अब बच्चों अभी मैं स्टार्ट नहीं हुआ, भविष्य में स्टार्ट होऊंगा, अभी मैंने कॉल नहीं किया है, कॉल में भविष्य में करूंगा। अब मुझे ये बताओ कि पहले मैं कॉल करूंगा या पहले मैं स्टार्ट होऊंगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि मैं स्टार्ट होने से पहले कॉल करूंगा, यानी कॉल पहले करूंगा, तो भविष्य में बच्चों क्या होता है, इस टॉपिक को जो है आप क्या नाम देंगे, इस टॉपिक को नाम दें बच्चों BUT, ठीक है, B2WA, क्या नाम दिया इसको, B2WA। ये तो बच्चों एक ट्रिक है जो मैंने आपके लिए इजाद की है, लेकिन इस टॉपिक का मतलब है लिखेंगे आप टू एक्शंस इन फ्यूचर, टू एक्शंस इन फ्यूचर, और एक शब्द ये भी लिखो बच्चों, साई मल टेनियस ली। साइमल्टेनियसली का मतलब बच्चों लगभग एक साथ होते हैं वो, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट ए टाइम, एक समय के अंदर, जब भविष्य में दो काम होते हैं तो थोड़ा सा अंतर रहता है कि एक तो मैं स्टार्ट होऊंगा और एक आपको कॉल करूंगा, तो काम तो करीब करीब साथ साथ हो रहे हैं, परंतु बच्चों फिर भी आप जानते हो पहले कॉल करूंगा और स्टार्ट बाद में होऊंगा। तो इस तरीके की बच्चों की जो बनावट है उसको किस तरीके से आप बनाते हैं, ठीक है, तो टू एक्शंस इन फ्यूचर। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें जरा गौर देखो, मैंने आपको मैंने जवाब दिया आपको, आई विल कॉल यू बिफोर आई स्टार्ट। क्या मतलब समझे, आई विल कॉल यू बिफोर आई स्टार्ट का मतलब मेरे स्टार्ट होने से पहले मैं तुमको कॉल करूंगा। तो बच्चों आप देख रहे हो आई विल कॉल यू, ये काम पहले हो रहा है, कॉल पहले करूंगा, और बिफोर आई स्टार्ट, ये बच्चों बिफोर आई स्टार्ट ये वाला जो पार्ट है ना, ये काम बाद में होगा। तो बच्चों आप इस बात को समझो कि बी का मतलब बच्चों बिफोर ही होता है, तो सेंटेंस का वह पार्ट जो बिफोर से शुरू होगा, बिफोर से मतलब बिटवा, अब बिटवा में कौन कौन से है वो एक एक बताऊंगा मैं आपको अभी। तो सेंटेंस का वह पार्ट जो बच्चों बिफोर से शुरू होगा, बिफोर का मतलब क्या है यहां जरा ध्यान देना, बिफोर का मतलब यहां बच्चों बिटुआ है, ठीक है, और बिटुआ के एक एक शब्द जो है उसका मीनिंग क्या है तो ये भी समझ लो एक बार, बी यानी क्या होगा बिफोर, क्लियर हो गया है, आई माने क्या होगा इफ, टी यानी क्या होगा टिल अथवा अनटिल, क्लियर हो गया है। उसी तरीके से बच्चों यू यानी क्या होगा अनलेस, कोई समस्या, डब्ल्यू यानी क्या होगा वैन, और ए यानी क्या होगा एज सून, एज बच्चों जितना जल्दी उतारोगे उतना ही तुम्हारी सेहत के लिए बढ़िया होगा। अब एक बात और सुन लो, उतारते भी जाओ और सुनते भी जाओ और जो अच्छी बातें लगी उनको चुनते भी जाओ। तो बच्चों मैंने आपको ये कहा कि सेंटेंस का वह पार्ट जो बिफोर से स्टार्ट होगा, मेरा मतलब जो बिटुआ से स्टार्ट होगा, बिफोर भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है, टिल अनटिल भी हो सकता है, अनलेस भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, एज सून एज भी हो सकता है, तो सेंटेंस का वह पार्ट जो बच्चों बिटुआ से स्टार्ट होगा, ये जो बिटुआ है ना बच्चों पूरा, इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, सेंटेंस का वह पार्ट जो एससी से स्टार्ट होगा। प्रश्न ये है कि एससी क्या होता है, तो बच्चों जरा ध्यान दो, ये क्या होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जो बच्चों मैंने बोले इन सबको कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर हिंदी की बात करूं तो कहा जाता है बच्चों जरा ध्यान देना वे आदा वे ये वेधीकरण, इनको बच्चों वेधीकरण संयोजक हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको हिंदी में वेधीकरण संयोजक कहा जाता है। अब बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं जरा ध्यान से समझो, यदि भविष्य में दो काम करीब करीब एक ही साथ कारित होते हैं तो बच्चों उस सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, सेंटेंस का एक पार्ट वह होगा जो बिटवा से शुरू होगा, सेंटेंस का एक पार्ट वह होगा जो बिटवा से शुरू होगा, और बिटुआ का मतलब बच्चों मैंने आपको कहा बताया कि बी का माने बिफोर होता है और आई का माने इफ होता है, टी का मतलब टिल या अनटिल होता है, यू का मतलब अनलेस होता है, डब्ल्यू का मतलब वैन होता है, और बच्चों ए का मतलब होता है एज सून एज। इन सब को मिलाकर के बच्चों हम बोलते हैं एससी, एससी का मतलब होता है सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हालांकि सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन और भी हैं लेकिन यहां जो मुख्य मुख्य है बच्चों वो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएंगे। तो क्या बात, इस बात को बच्चों मैं ऐसे भी कह सकता हूं
कि सेंटेंस का वह पार्ट जो सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा वह हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा। क्या कहा बच्चों मैंने, सेंटेंस का वह पार्ट जो एस सी यानी सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा वह बच्चों हमेशा प्रेजेंट सिंपल होगा। इस बात को बच्चों में यह भी कह सकता हूं कि जब ये सेंटेंस का पार्ट सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है तो इस पूरे पार्ट को बच्चों में क्या बोलूंगा, इस पूरे पार्ट को बच्चों में एस सी बोलूंगा यानी सबोर्डिनेट। जरा ध्यान दो, क्या बोलूंगा, सब ऑर्डिनेट, सबोर्डिनेट और सी यानी क्लोज। तो बच्चों आप जानते हो क्लोज यानी उपवाक्य होता है, ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है जो कि इसमें फुल स्टॉप वहां जाकर के आ रहा है। इस सेंटेंस को बच्चों हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक तो है आई विल कॉल यू, क्योंकि यहां एक वर्ब आ रही है तो बच्चों ये अपने आप में क्लोज है। दूसरा है बिफोर आई स्टार्ट, यहां भी एक वर्ब आ रही है, ये भी अपने आप में क्लोज है। और ये जो क्लोज है बच्चों किससे शुरू हो रहा है, बिटवा से शुरू हो रहा है, माने एस सी यानी सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, इसलिए सेंटेंस के इस पार्ट को बच्चों क्या कहा जाएगा, इसे सबोर्डिनेट क्लोज या आश्रित उपवाक्य कहा जाएगा। आश्रित उपवाक्य को बच्चों डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, डिपेंड है ये दूसरे के ऊपर, अपने मीनिंग के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए बच्चों इसको और क्या कहा जा सकता है, इसको डिपेंडेंट क्लोज भी कहा जा सकता है। तो बच्चों आप इस बात को समझ लो कि ये जो पूरा वाक्य अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा वाक्य है तो आपको जवाब देना चाहिए ये पूरा वाक्य बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वजह क्या है इसकी, वजह बच्चों ये है कि नंबर एक तो इसमें वर्ब जो है ना, वर्ब, वो वर्ब बच्चों कितनी है, V1 और V1, इसका मतलब ये हुआ बच्चों इसमें दो है ना, ये वन छोड़ दो, एक और एक, यानी इसमें एक क्रिया तो इधर आ गई है कॉल यू और एक आ गई स्टार्ट, तो बच्चों इसमें दो वर्ब है। जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब होती है तो वो सेंटेंस सिंपल नहीं होता, दैट इज आइदर ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और ए कंपाउंड सेंटेंस। वो बच्चों या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है या कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब मजे की बात यह है कि फिर ये कंपाउंड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक एस सी मानी सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। आगे ये बात समझ में, जिस वाक्य में सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है, सेंटेंस के जिस पार्ट में सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है, या यूं कहो कि सेंटेंस का वह पार्ट जो सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है उसे आप सबोर्डिनेट क्लोज कहते हैं अथवा आप उसे डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। क्लियर है बात बच्चों, समझ में आ गई। अब मुझे जो समझाना वो ये है, अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई है तो बच्चों एक बात आप दिमाग में बैठा हो, ये सेंटेंस उल्टा भी हो सकता है। आप जानते हो कान को चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ में तो हमेशा कान ही आता है। तो आप ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि इस वाक्य को मैं यू भी कह सकता हूं, जरा ध्यान दो, बिफोर आई स्टार्ट आई विल कॉल यू, यानी बिफोर आई स्टार्ट का मतलब मैं शुरू होऊंगा उससे पहले आपको कॉल कर दूंगा। दोनों बात बच्चों एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक बात अच्छे समझ लो, यदि बिफोर का प्रयोग वाक्य के शुरू में हो रहा है तो दोनों क्लोजेज के बीच में कोमा जरूर आएगा, लेकिन यदि बिफोर का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो रहा है, लेकिन यदि बिफोर का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो रहा है तो फिर कोमा का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात, सेंटेंस का वह पार्ट जो बिफोर से शुरू हो रहा है, मेरा मतलब बिटवा से शुरू हो रहा है, मेरा मतलब है सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, उसका प्रयोग बच्चों वाक्य में बाद में भी हो सकता है, उसका प्रयोग बच्चों वाक्य में शुरू में भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा क्या कहलाता है, एस सी कहलाता है। एस सी का मतलब सबोर्डिनेट क्लोज कहलाता है, यानी आश्रित उपवाक्य कहलाता है। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है बच्चों ये एम सी कहलाता है, एम सी का मतलब होता है मैन क्लोज। अब बच्चों यहां भी मैन क्लोज है, यहां भी मैन क्लोज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में हुआ या बाद में हुआ है, लेकिन बच्चों ये मैन क्लोज कहलाता है। तो बच्चों मुझे समझाना यह है कि यदि भविष्य में दो काम करीब करीब एक साथ कारित होते हैं तो जो काम पहले कारित होता है अर्थात मैन क्लोज, वह हमेशा बच्चों विल के साथ आता है, वो हमेशा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है। लेकिन बच्चों जो जो सबोर्डिनेट क्लोज है, ठीक है, जो काम बाद में कारित होता है, थोड़ा बाद में कारित होता है, अपेक्षाकृत बाद में कारित होता है, या बच्चों जो बिटवा से शुरू होता है, तो वो वाला पार्ट जो होता है बच्चों वह हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस लेके आता है, यानी उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन अगर कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही इसका प्रयोग होता है, लेकिन वाक्य अगर अफर्मेटिव नहीं है तो डू अथवा डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो बच्चों बिफोर का जो पहला वाला पार्ट है तो आपको समझा दिया गया है, और इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
ये बात समझ में। अब बच्चों उल्टा करके बता दिया, बाकी सबको उल्टा करके नहीं बताऊंगा, लेकिन एक को उल्टा करके आपको समझा दिया है कि इसका प्रयोग यो भी हो सकता है, यो भी हो सकता है, कंफ्यूज होने कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रहे कि यदि बिटुआ मानी सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग वाक्य के शुरू में हो रहा है, यानी यदि सबोर्डिनेट क्लोज का प्रयोग पहले हो रहा है और मेन क्लोज का बाद में हो रहा है, तो दोनों के बीच में कोमा का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा, अनिवार्य रूप से किया जाएगा, अनिवार्य तय किया जाएगा। आ गई समझ में? इतनी बात समझ में आ गई है? ओके, अब बच्चों अपन उदाहरण बदलते हैं। बी का उदाहरण तो आपके समझ में आ गया है। अब बच्चों कौन सा उदाहरण चलेगा? आपने आई का उदाहरण देते हैं, तो आई का मतलब क्या होता है? तो आई का मतलब बता चुका बच्चों आपने, आई यानी इफ होता है। क्या होता है? इफ। जरा देखो, इफ यू, अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट तो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, अब मैं आपको दूंगा देखो, इफ यू विल, सॉरी यू विल को इसको आई विल कर देते हैं, इफ आई विल गो टू आगरा, इफ आई विल गो टू आगरा आई विल सी द ताज। अब बताओ, इफ आई विल गो टू आगरा आई विल सी द ताज, अगर मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा, ये वाक्य बच्चों प्रथम दृष्टिया आपको बिल्कुल शुद्ध प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये शुद्ध है नहीं, क्योंकि बच्चों मैं आगरा जाऊंगा जाऊंगा हिंदी में तो ऐसा ठीक चल रहा है मामला, लेकिन बच्चों आपको मैं ये कह चुका हूं कि ये कौन सी किससे स्टार्ट हो रहा है, ये इफ से स्टार्ट हो रहा है, यानी बिटवा से स्टार्ट हो रहा है, इसे प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए, यानी सेंटेंस का वह पार्ट बच्चों जिसमें जो किससे स्टार्ट होता है, किसी सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है या बिटवा से स्टार्ट होता है, तो उस वाले पार्ट में विल का प्रयोग करना सख्त मना, उसे प्रेजेंट सिंपल में लाना चाहिए। अब बच्चों इसको प्रेजेंट सिंपल में ये काटा, अब आई के साथ बताओ गो आएगा कि गो जाएगा, सबको पता बच्चों आई लव यू होता है, आई लव यू कभी नहीं होता, तो बच्चों आई गो होगा, आई गोज कभी नहीं होगा, समझ में आ गया है? तो इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज का मतलब ये हो गया, अगर मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा, उल्टा करके बताना एक बार जरा, आई विल सी द ताज, अब कोमा जाएगा, इफ आई गो टू आगरा अर्थात मैं ताजमहल देखूंगा यदि मैं आगरा जाऊंगा, तो मैं ताजमहल देखूंगा यदि मैं आगरा जाऊंगा, क्लियर हो गया है? आगे वाला सेंटेंस लिखो, टिल और अंटिल की बात समझा देता हूं। पहले बच्चों टिल और अंटिल का फर्क जान लो क्या होता है। अभी बताता हूं आपको टिल और अंटिल का प्रयोग, पहले इसको बच्चों उदाहरण से समझो आप। तो आपका जो एग्जांपल है बच्चों वो कुछ यू है, जरा ध्यान देंगे आप, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि आई विल वेट हियर, आई विल वेट हियर टिल शी returns, क्लियर हो गया है? आई विल वेट ईयर टिल शी returns का मतलब मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक कि वो, जब तक वो वापस आएगी, तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? जब तक हो गया ना, तो जब तक वो वापस आएगी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैं यहां पर इंतजार करूंगा टिल शी डज नॉट कम, हम इंतजार करेंगे यहां पर कब तक, जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती, या जब तक कि वो वापस टिल है ना, कम की जगह रिटर्न आना चाहिए था, मेरे ऊपर रिटर्न दिखा दिया, भी रिटर्न लिख दो, तो बच्चों क्या लिखोगे आप? टिल शी डज नॉट रिटर्न, यानी जब तक वो वापस नहीं लौटती, वापस को हटा दो, जब तक वो नहीं लौटती मैं यहां इंतजार करूंगा। दोनों प्रकार से सही है, मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक वो वापस लौटेगी, और मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक कि वो वापस नहीं लौटती, यानी बात वही है। अब बच्चों सारांश क्या निकला? टिल का मतलब जब तक निकला, इसका मतलब यह हुआ कि टिल के जो बाद वाला पार्ट है उसमें नॉट का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वाक्य बच्चों ये भी सही है और ये वाला भी सही है। आ गई समझ में? तो निष्कर्ष बच्चों क्या निकला? टिल का मतलब होता जब तक, लेकिन उसमें नॉट छुपा हुआ नहीं होता, इसलिए आगे नॉट का प्रयोग आवश्यक हो तो कर दो, अनावश्यक हो तो मत करो। लेकिन अंटिल के साथ बच्चों स्थिति दूसरी है, जरा देखना, आई विल वेट हियर Until, I will wait here until she returns. ये वाक्य तो बच्चों बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने यू लिख दिया until, ठीक है, she और लिख दिया does not, क्या कर दिया? She does not return. अब बच्चों ये देखो, ये ऐस तो हटेगा ना, क्योंकि जब आपने यहां ऐस लगा रखा है, यहां does का प्रयोग करोगे तो ऐस तो हटेगा, तो बच्चों देखने वाली बात है कि नीचे वाला गलत है,
वजह क्या है? वजह यह है बच्चों, अंटिल एक सेमी नेगेटिव वर्ड है, अंटिल एक अर्ध नकारात्मक शब्द है जिसमें नोट छुपा हुआ है पहले से ही। इसलिए बच्चों उसका मतलब यही है कि आई विल वेट यर अंटिल शी रिटर्न्स, का मतलब यही है कि मैं यहां पर इंतजार करूंगा जब तक कि वो नहीं लौटती, मैं इंतजार करूंगा जब तक कि वो नहीं लौटती, फिर दोबारा नहीं का प्रयोग नहीं कर सकते आप, क्योंकि नहीं तो उसी में छुपा हुआ, जिसे नेवर सब जानते हो, एनी वी आर नेवर, उसमें नोट छुपा हुआ है, नेवर यानी होता कभी नहीं। तो बच्चों कभी नहीं के अंदर नोट छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है? तो इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार से ये जो अंटिल है बच्चों, इसमें क्या छुपा हुआ है? इसमें नोट छुपा हुआ है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला बच्चों, देखो टिल और अंटिल, पहला फर्क तो बच्चों देख लो, बच्चे क्या करते हैं, इधर डबल एल तो इधर भी डबल एल, ऐसा नहीं होता है। टिल में डबल एल आता है लेकिन अंटिल में सिंगल एल आता है, जैसे डब्ल्यू डबल एल वेल होता है, लेकिन जब वेलकम लिखते हो वेलकम तो बताओ डबल एल आता है, एक एल को एलिमिनेट कर देते हो, एक एल हट जाता है ना, तो वैसा है बच्चों। एक स्पेलिंग तो इस पे गौर कीजिए, या डबल एल आएगा लेकिन यह सिंगल एल आएगा, एक गलती तो आपकी ये पकड़ो। दूसरी बात बच्चों ये देखो कि इसका मतलब, और इसका मतलब एक ही होता है, लेकिन बच्चों इसका मतलब तो होता है जब तक, इसका होता है जब तक नहीं, तो जब तक नहीं, तो बच्चों जब तक नहीं, जब तक गम की पर्वत अपनी जगह से हिल ना जाए, तो नहीं का भाव इसमें आ रहा तो अंटिल का प्रयोग होगा, और अगर आप टिल का करना चाहते हो तो करो पर नोट लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में नोट लगाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ नोट लगाया भी जा सकता है, नहीं भी लगाया जा सकता। एक बात दूसरी बच्चों ये डिस्कस निकालो, ये जो रिटर्न है ना, इस रिटर्न क्या मतलब होता है बच्चों? गो बैक, क्या मतलब, सॉरी कम बैक, क्या मतलब होता है? गो बैक नहीं होता, कम बैक होता है, कम बैक और गो बैक दोनों हो सकता है, वापस जाओ वापस आओ। पर बच्चों मुझे ये समझाना है कि इसके साथ में किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, रिटर्न के साथ में कभी भी बैक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कम बैक गो बैक बिल्कुल सही होता है, कम बैक गो बैक बिल्कुल सही होता है। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये वाला मामला आपका बिल्कुल सही है। अब जरा देखो, अब ये यू है ना बच्चों, इस यू का मतलब टिल और अनटिल में नहीं है, इसका मतलब अलग से बताया था आपको अनलेस। अब अनलेस में भी क्या छुपा हुआ है? नॉट छुपा हुआ है। अनलेस का मतलब जानते हो? अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो इफ यानी तो यदि होता है, अनलेस यानी यदि नहीं होता है, तो इफ वाले पार्ट में तो नोट का प्रयोग कर सकते हो, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अनलेस के साथ में नोट का प्रयोग करना सख्त मना है। सेंटेंस में तो नोट आ सकता है, लेकिन सेंटेंस के जिस पार्ट में अनलेस का प्रयोग हुआ है, जिस क्लोज में अनलेस का प्रयोग हुआ है, उसमें नोट का प्रयोग करना गलत माना जाता है। जैसे उदाहरण से अपनी बात समझाता हूं, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो क्या होगा? यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। या फेल नहीं करना चाहो बच्चों तो कर दो नॉट पास, यू विल नॉट पास, यानी तुम पास नहीं होगे। आगे बात समझ में? तो बच्चों ये जो अनलेस वाला पार्ट है, ये देखो प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है, यहां विल का प्रयोग नहीं हो रहा है, और बाद वाले में विल का प्रयोग हो रहा है। और दूसरी बात बच्चों, अनलेस यू डोंट वर्क, अगर आपने यो कर दिया अनलेस यू डोंट वर्क, तो बच्चों यही मात खा गए आप, क्योंकि नोट का प्रयोग आप कर नहीं सकते, नोट का प्रयोग तो इसमें ऑलरेडी हो रहा है। तो अनलेस भी कैसा शब्द है बच्चों? एक अर्ध नकारात्मक शब्द है, और बच्चों इधर नोट का प्रयोग आराम से हो सकता है, लेकिन सेंटेंस का वह पार्ट यानी वह क्लोज जिसमें अनलेस का प्रयोग हुआ है, उस वाले पार्ट में नोट का प्रयोग करना व्याकरण की दृष्टि से सर्वथा गलत माना जाता है। अनले समझ में आ गया है? अब अनले समझ में आ गया तो बच्चों जरा देखो, व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचूंगा कोमा, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचना दे दूंगा। अब बच्चों देखो आपने क्या बोला कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगा, भविष्य में ये दोनों काम। अब ये जो वेन से स्टार्ट हो रहा है ये प्रेजेंट सिंपल में है, और ये विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आ रहा है। आगे समझ बच्चों, वेन, अब ए का देखो, आई विल उल्टा कर दो, उल्टा भी कर सकते हो, आई विल कॉल यू, मैं आपको भाई साहब कॉल कर दूंगा, कब करूंगा? एज सून एज शी कम्स हियर, वो जैसे ही आएगी और मैं आपको फोन करके बता आ गई है, और आपके जो पैसे नहीं दे रही है उधारी के पैसे, तो आप आके वसूल लो, ऐसे तो आपके फोन रिसीव नहीं करती है, लेकिन वो यहां आती है, और जैसे वो आएगी तो मैं आपको फोन करके जानकारी दे दूंगा। तो बच्चों यहां भी आपने क्या देखा, इस पार्टी में तो आपने विल कॉल का प्रयोग किया है, लेकिन उधर आपने किसका प्रयोग किया है? लेकिन बच्चों
लेकिन इधर तो आपने उसका प्रयोग किया है, लेकिन वहां पर किसका प्रयोग किया आपने जरा बताओ, तो आप समझ गए और बहुत अच्छी तरह समझ गए। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात थी बच्चों। अब जरा देखें अपन, ये वाला पार्ट आपके समझ में आ गया है। अब बच्चों इसके बाद में जो पीए वाला नियम यानी जो परमानेंट अरेंजमेंट वाला है वो आपके समझ में आ गया है। अब आगे वाली बात बच्चों आपको समझाता हूं। एक होता है बच्चों हिस्टोरिकल प्रेजेंट। क्या होता है हिस्टोरिकल प्रेजेंट? ये देखो आप, जिसको हम जिसका मतलब होता है किसी भूतकालीन या किसी ऐतिहासिक वृत्तांत का वर्णन बच्चों वर्तमान काल में किया जाता है ना। तो जो इसको हिस्टोरिकल प्रेजेंट कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं जरा देखना। नाउ लिखो, बीरबल एंटर्स, नाउ बीरबल एंटर्स अकबर्स कोर्ट। नाउ बीरबल एंटर्स अकबर्स कोर्ट, यानी अब बीरबल अकबर के दरबार में प्रवेश करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिस्टोरिकल जो प्रेजेंट है उसको बच्चों वो घटना तो भूतकाल की है लेकिन उसको फिर भी प्रेजेंट में लिखा जाता है। हिंदी में नहीं बोलते, एक बार कई भाई बच्चों से कहते हैं, बच्चा एक कहानी सुना रहा था, बच्चा कहता है सर एक बार एक राजा होता है उसकी चार रानियां होती है उसकी, इस तरीके से बोलते हैं ना। यानी वो तो राजा तो पहले हुआ था लेकिन आप बोलते हैं एक बार एक राजा होता है उसकी चार रानियां होती है। तो नाउ अकबर एंटर्स बीरबल, सॉरी बीरबल एंटर्स अकबर स्कॉट। और बच्चों फिर देखो एंड देन, और फिर बिगिंस, एंड देन और फिर बिगिंस द बैटल, एंड देन बिगिंस द बैटल ऑफ पानीपत। समझ में आ गया है? और बच्चों फिर शुरू होती है पानीपत की लड़ाई। कोई वक्ता सुना रहा आपको? तो कह रहा है कि एंड देन बिगिंस द बैटल ऑफ पानीपत, और उसके बाद में शुरू होती है पानीपत की लड़ाई। उसके बाद में शुरू होती है पानीपत की लड़ाई। तो बच्चों आपने क्या देखा कि हिस्टोरिकल प्रेजेंट होता है, उस हिस्टोरिकल प्रेजेंट को भी आप क्या करते हैं, किसमें लिखते हैं, हिस्टोरिकल प्रेजेंट को भी आप पास्ट में ही, सॉरी पास्ट की बात होती है पर उसका जिक्र आप उसको लिखते हैं किसमें है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।